चुनाव मैदान में शायद ही ऐसा कोई प्रत्याशी हो जो जीत के लिए नहीं बल्कि हार के लिए चुनाव लड़ता हो। उसे ना कोई रिकॉर्ड बनाने की चाहत है ना किसी जीत की, लेकिन शौक के चलते ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके ऐसे ही शख्स की कहानी से रूबरू कराएंगे आज हम आपको। ये बुजुर्ग भले ही आम से दिखते हों लेकिन यह बहुत खास हैं। आपको देख रहे इस बुजुर्ग की उम्र 75 वर्ष है और नाम है अम्बेडकरी हसनुराम। खेरागढ़ के रहने वाले सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हसनुराम, जितनी इनकी उम्र है उससे कहीं ज्यादा बार ये चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं। मीडिया ने जब इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि वामपंथी से शुरू हुआ कारवां बसपा तक जा पहुंचा और मायावती तक इनके साथ मंच छोटी उम्र में साझा कर चुकी हैं। लेकिन नीतियों से मेल न खाने पर हसनुराम ने बगावत कर चुनाव लड़ने का फैसला किया और 1985 से लेकर अब तक सभी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। हसनुराम अब तक 93 बार चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार 2 अलग अलग विधानसभाओं से चुनाव लड़ 95 बार चुनाव मैदान में हैं। हसनुराम से जब पूछा गया इतनी बार चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड बना चुके हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दावेदारी क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि उनकी चाहत नहीं कि वो कोई रिकॉर्ड बनाए, बस चुनाव लड़ना ही उनका मकसद है। तो नाम बता दीजिए। अम्बेडकरी हसनुराम अम्बेडकरी। हसनुराम जी, ये बताइए कि आप लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कुछ मानते हैं कि जो चुनाव आप लगातार लड़ते चले आ रहे हैं? नहीं, मेरे ये टीस है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव हारूंगा। लोग जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, आप हारने के लिए लड़ते हैं? हाँ, तो यही तो है ना, ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्र चीज है। अब तक कितने चुनाव आपने लड़ लिए होंगे? मेरे 93 चुनाव हो गए, 94 और 95, 2 चुनाव और लड़ूंगा, 13 विधानसभा और 90 ग्रामीण। अच्छा, यानी 95 चुनाव आप अब तक लड़ने जा रहे हो? 95 लड़ने जा रहे हो? 93 हो गए, 94 और 95, 2 लड़ूंगा, एक साथ 2 लड़ने जा रहा हूँ। हाईएस्ट वोटर कितने रहे अभी तक? और हाईएस्ट 1985 में रहा और 89 में जो है लोकसभा फिरोजाबाद संसदीय से मुझे 36,000 के करीब वोट। आप कितनी उम्र रही होगी चाचा आपकी अभी? मेरी 15/8/1947 है, निकाल लीजिए 75 के लगभग। एक कोई किस्सा भी हुआ था जिसको लेकर किसी पार्टी से विद्रोह करके और जो है वो आपने चुनाव लड़ा था पहला, वो क्या कारण रहा? वो पार्टी, हाँ उसका कारण है, वो मुझे विद्रोही तो हुई हूँ, DSP का विद्रोही हूँ, लेकिन विशेष तौर पर पर्याप्त धन न होने के कारण मैं ज्यादा विद्रोह नहीं कर पा रहा। मायावती आपके साथ जब आप चुनाव में जब BSP के साथ जुड़े थे तो मायावती भी आपके साथ नजर आती थी खड़ी हुई? जब अच्छाई थी तो नजर आती, थोड़ी या तो मेरे से दुर्गत होगी या उनसे दुर्गत होगी, इसलिए दूरी बन गई। लगता है कि कहीं ना कहीं मायावती तो दोषी नहीं है इस चीज के लिए कि आपको अलग से चुनाव लड़ना पड़ रहा है? हाँ, दोषी है मायावती, दोषी है। और दोषी है? कौन कौन सा चुनाव लड़ा है आपने? वो दोषी है, उन्होंने बल प्रयोग किया है 1910 के चुनाव में, वो जो 2011 में जो बीरू भाई सीट जो है MLC की छोड़ाई थी, वो लाठी के बल पर, गोली के बल पर छोड़ाई थी आपसे। और क्या, और बीरू सुमन को के उसमें जो है मेरा पर्चा वापस कराया था, दोषी तो है ही वो। ये बताओ हसनुराम जी, आप चुनाव जीत रहे हो, लगातार आप हार रहे हो, अगर जनता इस बार अगर आपको जिता देती है तो क्या कुछ योजनाएं आपने जनता के लिए बनाई हैं? सारी योजनाएं जनता के पास है, विकास कार्य करवाना ये जनता के पास है, जनता बताएगी। अगर जनता आएगी तो मदद करोगे जनता की पूरी? क्यों, जनता क्यों नहीं, हम जनता में पैदा हुए, हम ये मानते हैं कि हम जन्म जाते सही सेवक है। प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? कौन कौन सी प्राथमिकता है? विकास, सुरक्षा और न्याय। अब तक कौन कौन से चुनाव आप लड़ चुके हैं? मैं भाई वार्ड मेंबर से लेके राष्ट्रपति का, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।